दोस्तों, एक 5 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक कोने में बैठकर न जाने भगवान से क्या मांग रहा था। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों, उस 5 साल के बच्चे के कपड़े बिल्कुल मैले थे, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। उसके नन्हे नन्हे गाल आंसुओं से भींगे हुए थे। बहुत से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। बिल्कुल भी अनजान वो भगवान से बातें करने में लगा हुआ था। जैसे ही वो बच्चा प्रार्थना करके उठा तो एक अजनबी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और उसे पूछा कि क्या मांगा भगवान से और उसने क्या कहा। उस बच्चे ने अजनबी से कहा कि मेरे पिताजी चल बसे हैं तो मैंने उनके लिए स्वर्ग मांगा, और मेरी माँ रोती रहती है तो मैंने उनके लिए सब कुछ मांगा, और मैंने अपनी बहन के लिए कपड़े और अन्य सामान और पैसे मांगे। दोस्तों, अजनबी ने एक स्वाभाविक सा सवाल पूछा। अजनबी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ अंकल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अजनबी ने कहा कि कौन सी क्लास पढ़ते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल, मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, मेरी माँ चने बना देती है तो मैं उन बच्चों को चने बेचने जाता हूँ, और यही हमारा काम है और यही हमारा धंधा है। दोस्तों, बच्चे का एक एक शब्द उस अजनबी के रूह में उतर रहा था। न चाहते हुए भी उस अजनबी ने एक और सवाल किया और कहा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। बच्चे ने कहा कि पता नहीं, माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है और माँ झूठ नहीं बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी माँ झूठ बोलती है। बच्चे ने कहा कि जब हम खाना खाते हैं तो माँ देखती रहती है, और तब मैं कहता हूँ कि माँ खाना खा लो, तब माँ कहती है कि नहीं नहीं मैंने खा लिया है, तब मुझे लगता है कि माँ झूठ बोल रही है। दोस्तों, उस अजनबी ने उस बच्चे से पूछा कि अगर तुम्हें घर खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ाई करोगे। तो उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं। तो अजनबी ने पूछा क्यों। तो उस बच्चे ने कहा कि पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। उस बच्चे ने अजनबी से कहा कि आज तक किसी पढ़े लिखे ने हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा और हमारे आसपास से गुजर जाते हैं। अब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो हर रोज़ इस मंदिर की सीढ़ी में आकर बैठता हूँ, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों ने हमें कभी नहीं पूछा। हाँ, कुछ लोग मेरे पिताजी को ज़रूर जानते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा और कहता है कि अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं। अब उस अजनबी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, इस छोटी सी वार्तालाप से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई लिखाई का इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारे आसपास रह रहे गरीब और गरीब बच्चों की मासूमियत ना दिखाई दे। दोस्तों, अगर हो सके तो आप इनकी दिल खोल के मदद करिए। दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम। Oh,